Welcome to Time News Studios. You are watching 1 PM Bulletin. वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया मुल्क के सरबरा बना दिए और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबरा बना, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सबर करना पड़ेगा। सिर्फ हमने अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम ठीक करता है और ये मुल्क उठ जाएगा और इंशाल्लाह हमारे पास इतना पैसा होगा सारे पाकिस्तान में पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, सारे सरकारी नौकर हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं तनख्वाहदार हैं इंशाल्लाह सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जैसे जैसे आमदनी हमारी बढ़ती जाती है। कुछ सियासतदानन के मुल्क जो सरबरा थियण जा मौका मिलया पर जै रस्ते ते उहे हलिया अज इबरत जो निशान बढ़जी विया हैं। कदें अस्पताल ऐं कदें परदे हलिया वञन था, बार वालदैन जो पैसो लिकाइण लाइ कूड़ गालाइन था। अड़े पैसे जो केड़ो फ़ायदो? वज़ीर आज़म इमरान खान पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड के खिताब दौरान चयो त परदे में रहंदड़ पाकिस्तानन जो एतमाद बहाल करण लाइ पुलिस के किरदार अदा करणो पवंदो। कौम के अन्या सबर करणो आहे, गवर्नेंस ऐं मैनेजमेंट ठीक करण सां एतरी आमदनी थींदी जो कामोरन सूदो समूरन सरकारी मुलाज़िमन जूं पघारूं वधाईंदासीं। परेड के खिताब दौरान वज़ीर आज़म तरफ़ां इस्लामाबाद पुलिस लाइ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, नया हाउसिंग स्कीम में घर ॾियणु ऐं पघार वधाइण जो ऐलान। सिंध हाई कोर्ट हलंदड़ महीने टे पुलिस मुकाबला जाली करार दींदे पुलिस के नई गाइडलाइन जारी करे छड़ी। अदालत जो चवण है तो पुलिस मुकाबले जे केसेस के डिठो वने त FIR में खोड़ सारियों शयूं गुम होंदियों आहिन। अक्सर अड़ा केस सामू आया जिनमें पुलिस मुकाबले जो जख्मी के सरकारी हथियार मां गोली नाहे लगल हूँदी। अदालतुन का मथाई कतल ऐं पाण अकाउंटर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोठींदड़न के रोकण लाइ FIR में सब तफसील शामिल हुजण घुर्जन। अदालत पारा समूरन SSPs पुलिस रूल्स ते सख्ती से अमल कराने जो हुक्म। अदालत जो चवण हो तो जैकड़े जांच ऑफिसर जवाबदारन जे इस्तेमाल हेठ गाड़ी बाबत शाहिदियों पेश करण में नाकाम रहो तो उन जो मतलब मुकाबलो शकी आ है। पाकिस्तान के सब का वधिक गैस सिंध दे थो। सब का पहिरियां गैस ते हक भी सिंध जो है। सिंध के वड़े वजीर मुराद अली शाह गैस बहरान ते सिंध जो केस तैयार करण जी हिदायत करे छड़ी। गैस बहरान बाबत वड़े वजीर की सदारत हेठ इजलास में सूबाई वजीरन ऐं सेक्रेटरीज शिरकत कई। वड़े वजीर जो चवण हो तो सिंध के गैस का महरूम रखण आइन के आर्टिकल 158 की भंज कढ़ी है। गैस की अणधुरी विर्छ जो मसलो वफाकी हुकूमत आडो उथारींदुस। न्यू कराची में बर्फ के कारखाने में थियल धमाके की शुरुआती जांच रिपोर्ट मुकम्मल। पुलिस जांच रिपोर्ट में धमाके के गैस लीकेज जो नतीजो करार दई छो। धमाके में फौत थियलन जो अंग नम थी वो 30 का वधिक जख्मी। पुलिस जो चवण है तो धमाके का पोए गुम थियल कुछ मानन की गोल्हा कई पी वे। गरी मशीनरी जरिए मलबो हटाए पे वे। धमाके की नौयत जो अंदाजो भी BDS रिपोर्ट बाद ही थी। सिंध हाई कोर्ट सूबे में आपाशी खाते की जमीनों ते कब्जन वाले केस में मुतासिरन के मुतबादल जाए की फरहमी लाए आपाशी खाते के सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल, चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह ऐं आपाशी सेक्रेटरी का 18 जनवरी तई रोड मैप तलब कर वरतो। बुधनी दौरान एडवोकेट जनरल सिंध जो चवण हो तो अदालत रोड मैप लाए हुक्म दे त इख्तियारियों उन अमल कराए। अदालत रिमार्क्स न त एडवोकेट जनरल साहब असा हुक्म छो दियूं, अवां वट हुकूमत आहे, मामले की कमेटी में न उलझायो, सूबाई वजीर ऐं बिया रोड मैप पेश कन। सखर खैरपुर नवाबशाह लाड़काणी ऐं बिन शहरन जे मुतासिरन दायो त इंतज़ामिया अदालती हुक्म जो जवाब बणाए बेघर करे रही आहे। सिंध हाई कोर्ट सखर में सरकारी मिल्कियतुन की नई सिर नीलामी रोकी छड़ी। म्यूनसिपल इंतजामिया के कानून मौजिब मसवाड़ बधाने जो हुक्म।
अदालती फैसले बाद वापारनि में खुशी की लहर। म्युनिसिपल इंतजामिया पारा मिल्कियतुन की नए सिर नीलामी बारे ऐलान बाद वापारी सरापा एहतजाज बढ़ल हुआ। खैरपुर अस्पताल में डॉक्टर कलीमुल्ला मेमण ते हमले जा जवाबदार गिरफ्तार न थिया। डॉक्टर्स ए पैरामेडिकल स्टाफ पारा ओपीडीज जो बायकॉट, सिविल अस्पताल, सिटी अस्पताल ए लेडी विलिंगटन अस्पताल में ओपीडी जे बायकॉट सबब मरीज रुली वया। डॉक्टर्स पारा कलीमुल्ला मेमण ते हमले जा जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। दादलोए पुलिस जो एक वधिक मुकाबलो शकी बढ़ी वो। कंधरा वेझो बकरी चोरी केस में पान मुरादो गिरफ्तारी पेश कदड़ नौजवान के डोहारी जाना फुल फ्राई करण जो इंकशाफ। मारजीवल नौजवान इमदाद तुनियो के वारसन इल्ज़ाम है वाहे तो नौजवान गुजरल ढी कंधरा पुलिस वट पान पेश थो हो जैंखे डोहारी जाना कतुल किया वो। एस एस पी सखर इरफान समूह मुकाबले दौरान डोहारी मारण की दावा कई। कोटड़ी में मिल मालिक ते घर खाली करण का इनकार कदड़ पोहरेतन के कॉलोनी में बंद करण जो इल्ज़ाम। पोहरेतन दायो है तो टीहन कुटुंबन जा मानू वीन साल कारखाने में पोहो कयो। मिल मालिक नौकरिन में फारिग करे कॉलोनी में बंद करे छो है। मिल मालिक जो चवण है तो हाँ निंड में उथो है बाद में मौकिफ डींदस। कराची में भाजाई जो एतराज़ जोगियो तस्वीरों कढ़ी सोशल मीडिया ते अपलोड करने वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार जी जमानत दरख्वास्त रद्द। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जवाबदार नईम की दरख्वास्त बुधनी बाद फैसलो जारी। मुतासरा औरत साल 2020 में सोशल मीडिया ते एतराज़ जोगियो तस्वीरों जारी थे बाद FIA जी साइबर क्राइम विंग में डेर खिलाफ़ दरख्वास्त दाखिल कई हुई। उबावड़ो में नारी नसीमा लबाणों सा इज्तमाही लजालुट वाले केस में जवाबदार धुर के वकील करण लाए मोहलत मिली वही। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुतासर नारी जे वालिद तरफा सिंध हाई कोर्ट जे फैसले खिलाफ दाखिल अपील ते बुधणी। केसिस में नामजद जवाबदार अदालत के वकील मुकर्र करण लाए मोहलत की इस्तदा कई। अदालत जवाबदारन की दरख्वास्त मंजूर कर वरती। 2007 में उबावड़ो में नारी नसीमा लबाणों के इज्तमाही लजालुट जो निशानो बणायो वियो हो। 14 साल गुजरी वन बावजूद भी केस में नामजद जवाबदार अब्दुल सत्तार पुलिस की पकड़ में न आयो। सिंध हाई कोर्ट 6 जवाबदार के आजो करार डींदे जवाबदार मोहम्मद अनवर की उम्र कैद वाली सजा के कलदम करार दिनो। कराची में नेवी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन ते गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम मेंद्रो समेत 5 जवाबदार की जमानत दरख्वास्त रद्द। सिंध हाई कोर्ट 8 जवाबदार की जमानत दरख्वास्त महफूज कल फैसलो बुधाए छो। जमानत रद्द थियल जवाबदार में फरमान कलहोड़ो, कासिम दानिश ए आरिफ बलोच शामिल। जमानत दरख्वास्त रद्द थींदे ही नायब अदालती आहते में जवाबदार फरमान कलहोड़ो के गिरफ्तार कर वरतो। रेफरेंस में नामजद जवाबदार जावेद याकूब ए अब्दुल रहमान की जमानत दरख्वास्त मंजूर। नायब जो चवण है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम मेंद्रो गैर कानूनी तौर प्लॉट अलॉट कया। उन सोसाइटी में माइटन के भी प्लॉट दिना हुआ। खैरपुर भरसा शादी के बिन हफ्तन बाद कुआर कारह तोहमत मढ़े बेदर्दी सा कत्ल। गोट गुलाम कादर मेतलो में जवाबदार अमीर मुस्लिम मेतलो पैंजी घरवारी शमशाद खातून के पिस्टल जा फायर करे कत्ल करे छो। वाके खा पोए पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। मकतूल नारी जो लाश खैरपुर अस्पताल में डॉक्टर्स ए पैरामेडिकल की हड़ताल सबब 4 कलाकन का पयल पोस्टमार्टम न थी सके। सिंध हाई कोर्ट नादरा के यतीम निंगरी के 10 दिन अंदर बेफॉर्म ठाए जड़न जो हुक्म दई छो। निंगरी माहम खान की दरख्वास्त गार्जियन वाले हिस्से में सनस मासी जो सुणप कार्ड शामिल करण जो हुक्म। तालीम पढ़ाने जो शौक रखंदड़ निंगरी माहम खान नादरा इख्तियार तरफा बेफॉर्म ठाए जड़ का इनकार करण से अदालत से राबतो कयो हो। निंगरी अदालत आजो चयो तो वालदैन दुनिया में नाहिन रहा तालीम पढ़ाने घुरा थी। बेफॉर्म न होजन सबब मैट्रिक बोर्ड इख्तियार एडमिट कार्ड रोके छो है। बेफॉर्म जारी कयो वने तो जी तालीम जारी रखी सका। अदालत तरफा नादरा इख्तियार के बेफॉर्म ठाए जे हुक्म बाद निंगरी खुशी में बहकी पड़ी।
धाबी जी भरसा तेज रफ्तार मज़दा की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार बजणा फौत टे जख्मी हादसे के फौतिन में इस्माइल हिंगोरो मुराद हिंगोरो शामिल। कंडियारों में हालाणी वासी ठग के टे साल ठीप मकामी अदालत औरत सा 25 लख रुपये जो फ्रॉड साबित थे जवाबदार साबिर हालीपोटो के टे साल कैद 40,000 रुपया डंड की सजा बुधा छी। हालाणी वासर नसरीन हालीपोटो जवाबदार खिलाफ 25 लख रुपया फ्रॉड जो केस दाखिल कराया। सिंध में रोलू ए छितन कुतन जो आजार खत्म न थो एक डी अंदर 10 जणा डाढ़ जी जख्मी कुंदरी में कुतन 8 जणन के डाढ़े जख्मी कर छोड़ो मोहनजोदड़ो में भी मासूम नींगर डाढ़ जी